उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस के अवसर पर पंचायत भवन सभागार में मंडलीय सेमिनार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि किसानों की समस्याओं का हर संभव निस्तारण किए जाने का प्रयास किया जाएगा तथा मधुमक्खी व्यवसाय को प्रोत्साहित करने हेतु मंडल के हर जिले में हनी टेस्टिंग प्लांट लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अपने उत्पादों की बाजार में खपत कैसे हो, हनी की जरूरत कहां कहां है, इस पर कार्य करते हुए छोटे छोटे व्यवसायी मिलकर बड़ा व्यवसाय बनाते हुए अपने उत्पादन क्षमता में वृद्धि करें। अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस के अवसर पर कमिश्नर ने मधुमक्खी पालन क्षेत्र में प्रगतिशील एवं विशेष कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया तथा पंचायत भवन प्रांगण के बाहर मधुमक्खी पालन के विभिन्न उत्पादों का भी अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि अच्छा कार्य कर रहे हैं तो अच्छा दिखना भी चाहिए, आप सबको इकट्ठा करने का यही मंतव्य था कि अच्छे लोगों को एक सूत्र में पिरोया जाए। उन्होंने कहा कि एफपीओ के गठन से ही काम नहीं बनेगा बल्कि हमें उससे आगे बढ़ना होगा, अपना अपना ढांचा तय करके बैठ जाने से काम नहीं चलेगा, हमें विशेष रूप से लोगों को जोड़कर आगे बढ़ना होगा। कमिश्नर ने बताया कि मधुमक्खी पालन एक ऐसा कृषि आधारित उद्योग है जिसमें कम समय और कम लागत में अधिक आमदनी प्राप्त होने लगती है। गांव के विकास के लिए मधुमक्खी से बेहतर कोई दूसरा घरेलू रोजगार नहीं है। गांव के लगभग 80% लोग या तो छोटे व मंझले किसान हैं या भूमिहीन मजदूर जिनके पास रोजगार नहीं है। जानकारी सरल होने के कारण अशिक्षित व्यक्ति भी इस व्यवसाय को कुशलता से कर सकता है। गरीब भूमिहीन भी इस व्यवसाय को 5 से 10 मधुमक्खी के बक्सों से कम पूंजी से शुरू कर 3 वर्षों के अंदर 50 से 100 बक्सों का मालिक बन सकता है। मधुमक्खी व्यवसायी प्रतिवर्ष मधुमक्खी मोम व मधु बेचकर आय में वृद्धि कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिक अधिकारी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस के अवसर पर किसानों को औद्योगिक फसलों में मौन पालन, कृषि फसलों हेतु मौन पालन, शहद उत्पादन एवं रखरखाव के संबंध में विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई गई। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा शहद के अतिरिक्त अन्य बी पोलन, प्रोपालिस, बी बैग्स, रॉयल जेली एवं मॉन डिश आदि के संबंध में तथा प्रति बॉक्स शहद उत्पादन एवं कृषि आय में वृद्धि कैसे करें, इसके संबंध में चर्चा की गई। डॉक्टर मेहंदी रत्ता निदेशक ACABC द्वारा शहद की मार्केटिंग के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई तथा विशाल दीक्षित जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक द्वारा मौनपालक कृषकों आदि हेतु ऋण के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन BN यादव, उप निदेशक उद्यान गया प्रसाद, संयुक्त निदेशक कृषि, जिला कृषि अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक अधिकारी, उपायुक्त मनरेगा, अन्य संबंधित अधिकारीगण, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, कृषकगण आदि मौजूद रहे। कृषि का जो इंटीग्रेटेड स्वरूप है वो हम एक उसको आकार दे सकते हैं। वैसे तो आज का आयोजन का जो स्रोत था वो था पाठक जी का पत्रा को समझते हैं, पंचांग, तो ये पाठक जी के पंचांग से निकला था। पाठक जी ने एक बार कहा कि भाई 20 मई को मधुमक्खी पालन दिवस है तो हम आयोजन करना चाहते हैं। उन्होंने बताया भी, मेरा फोकस था बिजनौर में एक बड़ा किसान सम्मेलन हम करना चाहते थे और पिछले साल से ही ये प्रायोजित है, मतलब पिछले साल से ही ये प्रस्तावित है और उसको किसी कारण हम पिछले साल नहीं कर पाए। उसमें केंद्रीय कृषि मंत्री को भी आना था, हमारे कृषि मंत्री जी ने तो उसमें अपनी सहमति दे ही दी थी, लेकिन अभी भी वो किसी वजह से टल रहा है, लेकिन बहुत जल्दी बहुत शीघ्र हम उसको करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक साथ इसलिए करना है ताकि जो कृषि के क्षेत्र में जो एक नैराश्य पिछले साल से डेवलप हुआ है उसको हम आगे बढ़ा सके, और बहुत मुश्किल नहीं है। हमारी समस्या क्या है और आज का जो आयोजन है वो उसको खास तौर पे इसलिए किया था कि इस बीच में बहुत सारे लोग सैनी साहब भी मुझसे मिलने आए, आपने देखा रही जी को भी सुना, बहुत सारे यहाँ पर प्रगतिशील किसान भी हैं और अच्छा करने वाले भी। प्रॉब्लम यह है कि मैं हमेशा से कहता हूँ जो इतने अच्छा करने वाले हैं तो अच्छा दिखता क्यों? उसका कारण यह है कि अच्छे लोग एक सूत्र में नहीं। आज आप सबको इकट्ठा करने के पीछे यही मंतव्य था कि हम एक सूत्र में पिरोएं। आह्वान हमारे एफपीओ का भी करना था कि केवल एफपीओ के गठन से मामला बन नहीं जाएगा, हमें उसके आगे बढ़ना, फिर अपना अपना खांचा तय करके बैठ जाने से काम नहीं बनेगा, हमें सभी कृषि से संबंधित सभी लोगों को जोड़ना होगा, सबको जोड़ना होगा और कृषि के हर एक कंपोनेंट को जोड़ना होगा, हर एक हिस्से को जोड़ना होगा। जब तक ये जुड़ेगा नहीं तब तक हम हरदम परेशान रहेंगे व
मधुमक्खी पालन परेशान रहेंगे पेस्टिसाइड से, खादों से, फर्टिलाइजर से, केमिकल्स से, किसान परेशान रहेंगे जानवरों से, बंदरों से, और बाजार से सारे ही सारे परेशान हैं। इसी में मत्स्य पालक हैं, इसी में पशु पालक हैं, बहुत सारे तरीके के कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, और सेकेंड स्टेज है प्रोसेसिंग करने वालों का, जो उसको थोड़ा सा बेहतर करके दूसरे